वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास MMB फर्स्ट ईयर। आज से शुरू कर रहे हैं हम लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम इट्स टाइप्स, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लुब्रिकेशन सर्किट्स, और सबसे पहले जानेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या, क्यों ये जरूरी है, इसका पर्पज क्या है, और लुब्रिकेंट कितने कितने किस्म के लुब्रिकेंट होते हैं और उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, तो लुब्रिकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्किट या सिस्टम ऑफ एन इंजन। लुब्रिकेशन सिस्टम किसी भी इंजन का एक मुख्य जो सिस्टम्स हैं उनमें से एक है। बिना इसके, बिना लुब्रिकेशन के कोई भी इंजन 10-15 मिनट, फ्यू मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकता। 10 मिनट भी मैं बहुत बोल रहा हूँ। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, घर्षण करके चलते हैं। जैसे कि सिलेंडर, ये जो पर्पल कलर से दिखा है, ये सिलेंडर लाइनर है, इसके अंदर पिस्टन है। वह पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक पिन से जुड़ा हुआ है। अब जब क्रैंक शाफ्ट घूम रही है तो यह पिस्टन इस इंजन सिलेंडर में ऊपर नीचे रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, यानी एक बार यह टॉप डेड सेंटर तक जाता है, सबसे ऊंचे स्थान पर तक जाता है अपने, और दूसरे उसी हाफ राउंड में यह क्रैंक जब आधा घूम जाती है तो ये नीचे आ जाता है, फिर क्रैंक घूमती है तो यह फिर ऊपर चला जाता है। बस ये इसी एरिया में ऊपर नीचे गति कर रहा है, पर इनके बीच में क्लियरेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अब इस क्लियरेंस को कुछ न कुछ ऐसा चाहिए जो इसे कवर करे। अपने अपने हाथों को रगड़ो, क्या हो रहा है? एक तो वैसी गर्मी ज़्यादा है, जब फ्रिक्शन हो रहा है तो आपके हाथों में गर्मी पैदा हो रही है, गर्म हो रहा है। ये फ्रिक्शन होता क्यों है? जब भी दो मैटिंग पार्ट्स आपस में रगड़ते हैं तो प्रत्येक पदार्थ क्या है, अणुओं से मिलकर बना हुआ है, और एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणु के साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को इंटरलॉक करते हैं। जब तुम हाथों को रगड़ रहे हो तो सिर्फ गर्मी ही नहीं हो रही, तुम्हें ताकत भी लगानी पड़ रही है हाथों को ऊपर नीचे करने के लिए। क्यों हो रही है? क्योंकि इस हाथ में के जो अणु हैं वो दूसरे हाथ के अणु के अंदर धंस जा रहे हैं, लॉक कर रहे हैं वो, इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए हमें ताकत लगानी पड़े, पावर भी लॉस हो रही है, इसी कारण गर्मी पैदा हो रही है, इसी कारण खिसावट पैदा होती है। यानी जब भी दो मेटालिक पार्ट्स आपस में रगड़ कर चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके चलते हैं, तो उस कारण क्या होती है, उन दोनों पदार्थों के अणु एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, इस कारण से फ्रिक्शन पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है, और घर्षण के कारण गर्मी पैदा होती है। और जब भी कोई पदार्थ गर्म होता है या उसे गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जो पहले ही इंटरलॉक करने की कोशिश कर रहे थे वो अब और फ्री हो गए। अणुओं के बीच भले ही बहुत कम जगह होती है मगर वो उसमें भी पदार्थ के अंदर आराम से टहल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, वो इतने सूक्ष्म हैं कि मैंने इतना जूम इन करके बना रखा है, इसमें भी लाखों करोड़ों अणु हैं, पर वो अंदर वाइब्रेट भी करते हैं, वो एक दूसरे के साथ ससंजन बल, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, मगर वो वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं। तो इनके बीच में जो जगह होती है उस जगह पर दूसरे पदार्थ का अणु घुसने की कोशिश करता है, जो आउटर सरफेस है, जो सरफेस मैटिंग सरफेसेस हैं, इसी कारण से फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है। जब हीट ज़्यादा बनने लगती है तो वह पदार्थ के स्टेट में परिवर्तन करने का प्रयास करने लगती है, अर्थात यदि कोई पदार्थ सॉलिड है, सॉलिड से वो लिक्विफाइड होना शुरू कर देता है। यदि इस फ्रिक्शन को कम नहीं किया जाएगा, इसके बीच में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी कि जो उस हीट को जनरेट ही नहीं होने दे, इन दो पार्ट्सों को आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में ही नहीं आने दे, तब ये इजीली चलेंगे। यदि नहीं होगी वो चीज़,
तो घर्षण के कारण जो उत्पन्न गर्मी होगी उसके कारण ये गलना शुरू होंगे और एक दूसरे के साथ सीज हो जाएंगे। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि इन दो मैटिंग पार्ट्स के आपस में ये कॉन्टैक्ट में आए ही ना। क्या जरूरी है कि ये डायरेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए ही ना। उसके लिए क्या किया जाता है, ऑटोमोबाइल में इंजन में लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट, स्नेहक तेल जो तुम सिर पे लगाते हो। अपने सिर पे हाथ फेरो, किसी ने नहीं तेल लगा रखा, सिर्फ मैंने लगाया। तेल लगाने के बाद आप हाथ को आपस में रगड़ोगे तो वो इजीली ऊपर नीचे जाएगा और इतनी गर्मी भी पैदा नहीं होगी। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो दो सरफेस के मध्य एक ऑयल की फिल्म बन जाती है जो कि दोनों पार्ट्सों को एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आने देती। इसलिए लुब्रिकेशन सिस्टम बहुत आवश्यक है कि इन दो मैटिंग पार्ट्स के सेपरेट सेपरेट रखा जाए, ये एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। जब हम ये हाथों को रगड़ रहे हैं तो इस समय क्या हो रहा है, इसे कहते हैं सॉलिड फ्रिक्शन या ड्राई फ्रिक्शन। ये ड्राई फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग के कारण होगा, हो रहा है इंटर मॉलिकुलर लॉकिंग के कारण, जिसके कारण हीट भी जनरेट हो रही है और पावर भी लॉस हो रही है। इसको दूर करने के लिए इसके मध्य एक ऑयल की फिल्म बना दी, एक पतली थिन फिल्म, एक ऐसी परत बना दी। अब ये आपस में चल तो रहे हैं पर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, अब ये स्लाइड कर रहे हैं पर फ्रिक्शन तब भी हो रहा है। ये वाला फ्रिक्शन कहलाता है लिक्विड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस फ्रिक्शन। विस्कस फ्रिक्शन, ये दब भी रहा है, ये दब भी रहा है मगर एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। अब ये पिस्टन इस सिलेंडर लाइनर में स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा, चल रहा है ये ऊपर नीचे। तो जब भी कोई वस्तु चलती है तो वह क्या पोजीशन है, जब खड़ी है तो वह स्टैटिक है पर जब चलने लग गई तो वह डायनेमिक है। तो यहां पर जो फ्रिक्शन हो रहा है वो हाइड्रोडायनेमिक या विस्कस फ्रिक्शन है। तो इस लुब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लुब्रिकेशन है इधर हो रहा है ये कौन सा है, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। हाइड्रो ये लिक्विड है, लुब्रिकेंट क्या है, लिक्विड है, ये हाइड्रोकार्बन भी है बट ये लिक्विड को हाइड्रो ही बोला जाता है। हाइड्रोलिक्स में हाइड्रो मतलब पानी ही नहीं है, लिक्विड वो हाइड्रो है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में ब्रेक्स फ्लूइड यूज हो रहा है वो भी हाइड्रोकार्बन है, सिंथेटिक भी है बट यहाँ पर भी ये लिक्विड जो यूज हो रहा है वो लुब्रिकेंट है। क्या है, लुब्रिकेंट कहा जाता है उसको, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की भाषा में इसको कहते हैं लुब्रिकेंट। इसका मुख्य कार्य क्या है कि दो मैटिंग सरफेसों के मध्य एक पतली सी फिल्म बना देना, ताकि इन दो मैटिंग सरफेसों के जो अणु हैं वो एक दूसरे के अंदर घुसकर उनको इंटरलॉक ना करें। तो क्या क्या कार्य हो गए इसके, जब इंटरलॉकिंग होगी तभी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और तभी घिसावट होगी। जब इंटरलॉकिंग होगी तभी घिसावट होगी और हीट जनरेट होगी। तो लुब्रिकेशन सिस्टम का मुख्य कार्य यही है कि सबसे पहले इन मैटिंग सरफेस के मध्य आकर एक पतली सी फिल्म बना देना, इनको एक दूसरे से पृथक करना, अलग करना, बीच में स्वयं स्थिर हो जाना, ताकि दोनों पार्ट्स आपस में एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आ पाएं। जब वो नहीं आएंगे तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है अब वो विस्कस फ्रिक्शन है, वो इजीली पिस्टन इसके अंदर मूव हो रहा है बिना किसी घिसावट के। ठीक, तो एक दूसरा फ्रिक्शन होता है जिसे कहते हैं बाउंड्री फ्रिक्शन, जो कुछ ही एरिया में हो रहा है। जैसे कि पिस्टन रिंग्स, जब मैंने तुम्हें इंजन की कार्यप्रणाली बताई थी तब क्या बोला था कि जब भी ये इसके ऊपर पावर स्ट्रोक हो रही है, पावर स्ट्रोक तब होगी पहले सक्शन हो जाएगा, कंप्रेशन होगा। जब कंप्रेशन हो रहा है दोनों वाल्व बंद हैं, जो हवा इसके अंदर आई है डीजल इंजन में
या पेट्रोल इंजन में जो एयर फ्यूल मिश्रण इसके अंदर आया हुआ है वह अब बाहर जा नहीं सकता, पिस्टन उसको दबाता है। तो दबाने से इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, वो प्रेशर ऊपर को भी है नीचे को भी है, प्रतिक्रिया बल उसका नीचे को भी है साइड में भी है, चारों तरफ को उस प्रेशर का प्रभाव है। यहाँ जा नहीं सकता, ये दोनों वाल्व बंद हैं, नीचे से पिस्टन इसको धकेल रहा है। ये देखो ये इतना प्रेशर इसमें बन गया तो जाएगा कहाँ, यहाँ आपस में थोड़ा सी जगह है क्योंकि वहाँ पर ऑयल की फिल्म है, जब यहाँ प्रेशर आएगा तो ये वाला रिंग बाहर को निकल जाएगा, जो टॉप वाला रिंग है वह बाहर की तरफ को निकल जाएगा। फिर इसके कारण जो गैस थोड़ा सा और नीचे निकल गई है वह दूसरे वाले रिंग को बाहर को निकाल देगी, पहले आया टॉप रिंग बाद में आ गया दूसरा वाला रिंग, इसीलिए पिस्टन रिंग दो होते हैं, कंप्रेशन रिंग इसीलिए दो होते हैं। इन केस एक रिंग से एस्केप कर गया तो वो एयर फ्यूल मिश्रण सम्प में ना चला जाए या वो एयर कंप्रेस्ड एयर इस रास्ते से लीक होकर सम्प में ना चली जाए, वो इंजन ऑयल को भी खराब करेगी और बहुत कुछ करेगी, वो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो समझ में आएगा क्या क्या करेगी। तो ये लॉक कर देते हैं। अब इस समय इनके टच में कौन सा आ रहा है, सिर्फ हाई स्पॉट आ रहा है पिस्टन रिंग्स का, तब कब आ रहा है, जब एक कंप्रेशन हो रहा है तब आ रहा है, दूसरी जब पावर स्ट्रोक हो रही है, जब इसके अंदर करीब 6 मेगा पास्कल का प्रेशर बन रहा है 60 बार का, तब जाकर ये रिंग फिर बाहर आ रहे हैं। ये रिंग का काम ही यही है, अंदर और बाहर की तरफ को सीलिंग देना, सीलिंग इफेक्ट प्रदान करना। दो ही समय इसके ऊपर दबाव पड़ रहा, तभी इनका जो हाई स्पॉट जो टच है हो रहा है सिलेंडर लाइनर के साथ, उनके मध्य होने वाला जो फ्रिक्शन है वह कहलाता है बाउंड्री फ्रिक्शन। क्या कहलाता है? बाउंड्री फ्रिक्शन। वो सिर्फ बाहरी सतह पर ही लग रहा, हाई स्पॉट पर ही लग रहा। और वाल्व ट्रेन रॉकर आर्म, मैंने तुम्हें पूरी वाल्व ट्रेन दिखाई थी, केमशाफ्ट अगर साइड में केमशाफ्ट है या केमशाफ्ट हेड पे भी लगी हुई है तब भी वो एक रॉकर को दबा रही है और वो रॉकर की टिप जो है वाल्व की स्टेम को, वाल्व की टिप को दबा रहा है। इसको दबाएगा तो ये खुलेगी नीचे को, ये वाल्व नीचे को खुलेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन हो रहा है ये सिर्फ इन दोनों के बीच होना चाहिए, लुब्रिकेंट यहाँ से अंदर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से अंदर उतना ही जाना चाहिए ताकि वाल्व और गाइड के बीच में डायरेक्ट फ्रिक्शन ना हो, वहाँ पर भी बाउंड्री फ्रिक्शन ही हो रहा है। ऑयल सील इसके ऊपर, गाइड के ऊपर एक ऑयल सील दिखाई थी काले रंग की निकाल के, वो लगी हुई है। तो एक पतली सी फिल्म इसके अंदर है बनी हुई, रेगुलेटेड है वो, वहाँ ज़्यादा चली जाएगी तो इस रास्ते से पूरा ऑयल यहाँ कंबशन चैम्बर में आएगा और वो जलेगा नहीं, उससे कंप्रेशन रेशियो में वृद्धि हो जाएगी, डेटोनेशन करेगा, कार्बन सूट पार्टिकल बनाएगा जो बाहर वायुमंडल में जाएंगे। इसलिए इन जगहों पर जो भी फ्रिक्शन हो रहा है वो कहलाता है बाउंड्री फ्रिक्शन, ठीक है। अब इनको इसलिए वहाँ पर अगर एक पतली सी फिल्म होना जरूरी है, जरूरी नहीं कि प्रेशर से वहाँ ऑयल पड़े, प्रेशर से ऑयल कहाँ जाना चाहिए, इस जगह जाना चाहिए और कई जगह जाना चाहिए, अभी जैसे जैसे क्लास आगे जाती है तो बताते हैं। तो इसका जो पर्पज है, मेन पर्पज है टू रिड्यूस वियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना दो मूविंग पार्ट्सों के मध्य होने वाली घिसावट को कम करना, रिड्यूस करना, क्लियर है। दो पार्ट्सों को आपस में इंटरलॉक नहीं होने देना, उनके बीच में एक फिल्म बना लेना ताकि जब वो एक दूसरे के अंदर धंस के इंटरलॉक होने की कोशिश ही नहीं करेंगे, उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे ही नहीं तो घर्षण नहीं होगा, सॉलिड घर्षण नहीं होगा, ड्राई फ्रिक्शन
नहीं होगा, बल्कि फ्रिक्शन किस में बदल जाएगा, हाइड्रोडायनामिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा या विस्कस फ्रिक्शन में बदल जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा ये दो तो जो हैं इसके मुख्य कार्य हैं। पहला तो दो मूविंग पार्ट्सों के मध्य जो फ्रिक्शन है उसको बिल्कुल मिनिमम करना, ताकि पावर लॉस भी कम हो। यदि यह फिल्म मोटी हो जाएगी तो इसको कंप्रेस करने में इंजन को बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी कंप्रेशन के दौरान। इसलिए ये ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए फिल्म, और इतनी पतली भी ना हो कि उस रास्ते से ब्लो बाई हो जाए। ब्लो बाई कहते हैं ये ऊपर जो भी कंप्रेशन लीक हो जाए या फिर पावर स्ट्रोक के दौरान जो शक्ति मिलनी थी पिस्टन के हेड पर वो यहाँ से लीक होकर सम पर चली जाएगी, ऐसा भी ना हो। तो ये आगे जब लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज आती हैं उसमें इस पर बात होगी। इसके अलावा भी लुब्रिकेशन सिस्टम के और भी कार्य हैं लुब्रिकेशन का। सबसे पहला है उनमें कूलिंग इफेक्ट। क्या है लुब्रिकेशन सिस्टम या लुब्रिकेंट में जो इसका पर्पज है लुब्रिकेशन का, सबसे क्या है कि फ्रिक्शन को कम करना और घिसावट को कम करना, ये तो उसके प्राइमरी पर्पज हैं। सेकेंडरी पर्पज क्या हैं कि घर्षण के कारण होने वाली जो हीट है उसको भी एब्जॉर्ब करना, उसको लेके सीधे सम्प में आ जाना, हीट ट्रांसफर करना, तो वो कहलाता है कूलिंग इफेक्ट। ये कैसे होता है, ये मैंने यहाँ पर बना रखी, ये जो सफ़ेद से सेक्शनिंग कर रखी है ये दिखा रखा है हमने इसको कल्पना में, इस तरह से इंजन सिलेंडर को काट दिया है। तो ये है क्रैंक पिन। कनेक्टिंग रॉड क्या काम करती है, पिस्टन को क्रैंक पिन के साथ कनेक्ट करती है, जोड़ती है। और जब ये इस कनेक्टिंग रॉड का ये है बिग एंड, बड़ा सिरा, इसका व्यास कितना है जितना कि क्रैंक पिन का है उससे थोड़ा ज़्यादा है, क्रैंक पिन के व्यास से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के मध्य एक सेल बियरिंग है होता है। क्या होता है, सेल बियरिंग। किस मटेरियल का होता है ये, बैबिट, एल्यूमिनियम, टिन, फॉस्फोरस, थोड़ा कॉपर, ये सब मिला के, और बैबिट मटेरियल, इस पे बात अभी बाद में होगी, कर चुके हैं पहले बहुत। तो ये सेल बियरिंग है। बियरिंग क्या करते हैं, बियरिंग किसी भी शाफ्ट को पहले घूमने के लिए एक अक्ष प्रदान करते हैं और उस पर पड़ने वाले सभी प्रकार के बलों को अवशोषित करते हैं। तो इस बियरिंग के इस सरफेस में भी और इस सरफेस में भी ऑयल की फिल्म होनी निहायत जरूरी है। ऑयल की फिल्म कहाँ कहाँ होनी जरूरी है, बिग एंड और सेल के बीच, सेल और क्रैंक पिन के बीच, यहाँ पर भी होनी जरूरी है। क्रैंक शाफ्ट यहाँ पर पड़ी है, उसमें छेद बने हुए हैं, होल बने हुए हैं, ऑयल ग्रुप्स, उस पर ऑयल डाल के देखा था, तार डाल के देखे थे कैसे वो कनेक्ट हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वो इसीलिए कनेक्टेड हैं कि प्रेशराइज्ड लुब्रिकेंट उन होल से निकल कर यहाँ तक पहुँच सके और इन मैटिंग सरफेसों के बीच एक पतली सी फिल्म बना सके। अब यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड जब दिखाई थी, वो कनेक्टिंग रॉड उठा के ला, तो मैंने तुम्हें दिखाया था कि यहाँ पर एक बारीक छेद है, ये होल है, इसमें ये कनेक्टिंग रॉड है, ये ऐसे लगी हुई है, यहाँ ये सेल बेयरिंग है, यहाँ पर ये एक होल है जो मैंने यहाँ दिखाया है। ये होल किस लिए है, ताकि लुब्रिकेंट यहां से प्रेशराइज्ड लुब्रिकेंट सीधा यहां के रास्ते इस क्राउन के नीचे पड़े, क्योंकि पावर स्ट्रोक के टाइम पर जो इंजन सिलेंडर के अंदर गर्मी पैदा हुई है, जो हीट पैदा हुई है, वो पेट्रोल इंजन में कितनी होती है, 1375 डिग्री सेंटीग्रेड पेट्रोल इंजनों में, और डीजल इंजनों में कितनी होती है, 1800 से 2400 डिग्री। आजकल इससे थोड़ा कम कर दिया गया है जब डाउनसाइजिंग, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन पढ़ाऊंगा, इंजेक्शन पढ़ाऊंगा पूरा सिस्टम,
उस समय फिर इस पर बात करेंगे। अभी फिलहाल क्या नोट करो, 1800 से 2400 डिग्री ये डीजल इंजनों में, इन केस ऑफ डीजल इंजन। इतनी ज़्यादा गर्मी को यदि फटाफट निकाला नहीं जाएगा, अवशोषित नहीं किया जाएगा, तो ये मेटल पार्ट्स आपस में गल जाएंगे और गल के सीज हो जाएंगे। साथ ही ये जो दिखा रखी है, ये क्या है, गजन पिन है, ये वाली पिन है, ये इस पिन के द्वारा ये क्रैंकशाफ्ट, ये कनेक्टिंग रॉड इस पिन के द्वारा इस पिस्टन के साथ जुड़ी हुई है। ये पिन किस चीज़ की है, यह भी मेटल की है, तो यह यहाँ भी लुब्रिकेशन होना जरूरी है। और इसी कनेक्टिंग रॉड का वो सिरा जिसके साथ ये गजन पिन लगी हुई है, उसको क्या कहते हैं, स्मॉल एंड, छोटा सिरा, वहाँ पर एक स्मॉल एंड बियरिंग है, बुश बियरिंग, वह भी लुब्रिकेट होना चाहिए। जो ऑयल यहाँ से ऊपर पड़ रहा है, जो प्रेशराइज्ड ऑयल, तो उस गर्मी को भी ले आ रहा है अपने साथ, अवशोषित कर दे रहा है। और ग्रेविटी के माध्यम से, ग्रेविटी के द्वारा जब वो नीचे को गिर रहा है, तो गिरते हुए ही वह इस जगह पर, यहाँ इसके अंदर, यानी गजन पेन और बुश के बीच में भी फिल्म बना ले रहा है, उसको भी लुब्रिकेट कर दे रहा है। ये भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, इनके दोनों के बीच में एक पतली सी लुब्रिकेंट की फिल्म बन चुकी है। तो इस प्रकार से यह न सिर्फ घिसावट को और फ्रिक्शन को रोक रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, यहाँ जो उत्पन्न हुई थी गर्मी, वह गर्मी भी अपने साथ ले आया, लेके सीधे नीचे, ये सीधा नीचे ऑयल सम्प में आ गया, इसी रास्ते से आ गया, सारी चीज़ों को लुब्रिकेट करता हुआ फिर से आ गया। पर जब ये घूम रही है, क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, तो घूमने के कारण ये निचला हिस्सा देखो तेल में डूबे हुए हैं, इसके कारण कुछ न कुछ तेल छलक भी रहा है, चाहे इसमें यहाँ पर कप बनाएं या ना बनाएं, तब भी वो थोड़ा सा छलक रहा है, और वो छलक रहा है इधर इन इंजन सिलेंडरों के वाल्व्स में। इसको ही मेंटेन करना काम है किसका, ऑयल रिंग का। किसका काम है, ऑयल रिंग का। ऑयल रिंग ये नीचे लगा हुआ ऑयल रिंग है, इसके अंदर भी होल हैं, रिंग में भी होल हैं, वो ऑयल इस होल के रास्ते आकर ये भी तो हिस्सा गर्म हो रहा है, इधर को इसको भी जो ऑयल अंदर को साफ किया, उसने झाड़ू लगाया रिंग ने, और वो इसके अंदर चला गया, अंदर से ये अंदर के रास्ते होता हुआ नीचे को गिरा, तो वो इस साइड भी जो गर्मी पैदा हुई थी, वह गर्मी को भी लुब्रिकेंट अपने साथ लेकर आ गया, नीचे डाल दिया उसने। इस तरह से यह एक कूलिंग एजेंट की तरह भी कार्य करता है। नेक्स्ट, कुशनिंग इफेक्ट। कुशनिंग इफेक्ट, कुशनिंग इफेक्ट क्या है, कुशन, यहाँ पर जब डोर मैट होती है, डोर मैट के ऊपर पैर रखते हो तो क्या होता है, वो थोड़ा सी दब जाती है, कुशन जो गद्दा होते हैं तुम्हारे घरों में, सोफा, बैठते ही धंस जाते हैं उसमें, वो है कुशनिंग इफेक्ट। तो जब पावर स्ट्रोक होती है, पावर स्ट्रोक के टाइम पर जो दबाव पड़ रहा है, वह दबाव सीधा एक बेंडिंग मूवमेंट पैदा कर रहा है, कहाँ, क्रैंक पिन के ऊपर, तो उस समय जो दबाव पड़ रहा है, और क्रैंक पिन और कनेक्टिंग रॉड के मध्य एक ऑयल की फिल्म बनी हुई है, सबसे पहले दबाव कहाँ पड़ा, इधर पड़ा, तो ये गजन पिन में पड़ा, तो ये गजन पिन और बुश के बीच भी ऑयल की फिल्म है, उसने यहाँ पड़ने वाले दबाव को झेल लिया यहाँ पर, और उसके बाद जब ये तेज़ी से नीचे क्रैंक पिन पर पड़ी, तो उसी कुशनिंग इफेक्ट ने इस सारे झटके को अवशोषित कर लिया। तो लुब्रिकेंट क्या काम कर रहा है, कूलिंग एजेंट के साथ साथ वह एक कुशनिंग इफेक्ट प्रदान कर रहा है। थर्ड, क्लीनिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये होल इतना पतला है, इतना छोटा सा है, इसके अंदर भी होल्स हैं, ये जगह जगह होल हैं और आपस में गैलरी जुड़ी हुई हैं, काफ़ी संकरे रास्तों से उसको निकलना है, और तो इन होलों को भी ये साफ करता है, साथ ही साथ
इस एरिया में कंबसन हो रहा है टॉप डेड सेंटर के आसपास। कंबसन के चार स्टेजेज में बोल चुका हूँ। पहला क्या था? डिले पीरियड, फिर अनकंट्रोल्ड कंबसन, देन कंबसन, कंट्रोल्ड कंबसन, देन पोस्ट कंबसन। ज्वलन हो ही रहा है, यहां से स्टार्ट हो गया, टीडीसी में जाने के बाद पिस्टन वापस भी आ गया, तब भी पेट्रोल जल ही रहा है या डीजल फ्यूल जल ही रहा है, तो उस कारण यहां पर काफी कार्बन जमा हो जाती है। तो जब पिस्टन ऊपर टीडीसी तक जा रहा है, उसके साथ ही ऑयल की फिल्म यहां तक जा रही है और इस सारे कार्बन को वो अपने साथ लेके नीचे को आ भी जा रही है। वो सिलेंडर वाल्स के कार्बन कणों को भी खींच ले रहा है नीचे की तरफ, और जो ये होलों से ये निकल रहा है, पतले पतले संकरे संकरे रास्तों से ये निकल रहा है प्रेशराइज्ड ऑयल, ये उन होलों को भी साफ कर रहा है। तो लुब्रिकेंट यहां पर एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट वन इज सीलिंग एक्शन भी ये प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस पर इसका काम है सीलिंग एक्शन प्रदान करना। वो कैसे? इन दो मैटिंग सरफेसों के मध्य वो फिल्म ऑलरेडी बनी हुई है, तो जो भी यहां पर कंप्रेशन लीक हो रहा है उसको लीक होने से भी यह बचा रहा है, एक फिल्म बन जा रही है। अब जब बहुत ही पतला थिन हो जाएगा वो विस्कोसिटी उसकी, जब बहुत पतला हो जाएगा या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तभी जाकर ऑयल सील से लीक करेगा वो, अन्यथा वह एक बाउंड्री क्रिएट कर दे रहा है और वह एक सीलिंग एजेंट की तरह भी कार्य कर रहा है। अब इतना ये इसके लुब्रिकेशन सिस्टम का जो है मेन पर्पज है, उद्देश्य है उसका, एक सीलिंग एजेंट की तरह कार्य करना, कुशनिंग इफेक्ट प्रदान करना, क्लीनिंग एजेंट, कूलिंग एजेंट की तरह कार्य करना और फ्रिक्शन कम करना और घिसावट को रोकना। ये सब क्या थे? लुब्रिकेशन सिस्टम के उद्देश्य थे। अब जो लुब्रिकेंट यूज किया जा रहा है, लुब्रिकेंट यहां पर इंजन के पक्ष में बोल देते हैं कि इंजन ऑयल, जो इंजन के अंदर यूज हो रहा है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, हीट को कम करने के लिए, उसको क्लीन रखने के लिए, जो जो भी ये उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, जो लुब्रिकेंट यह कार्य कर रहा है उसको कह देते हैं इंजन ऑयल साधारण भाषा में, ठीक है। और जो चीज गियर में भी, बहुत सारी गियर में भी फ्रिक्शन हो रही है, जो लुब्रिकेंट वहां यूज हो रहा है उसको बोल देते हैं गियर ऑयल या ट्रांसमिशन ऑयल। उनमें फर्क होता है, उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? तो इस लुब्रिकेंट में अभी हम इंजन ऑयल के अंदर ले रहे हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसके अंदर होने चाहिए। सबसे पहला गुण है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसी भी लुब्रिकेंट का या किसी भी लिक्विड का वह गुण है जो उसे उसके बहाव में बाधा डालता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लूडिटी, फ्लो होने में। पानी गिराते हो तो पानी की बूंदें इधर उधर छटक जाती हैं और एक धार नहीं बनती, और जब ऑयल गिराते हो तो एक धार बन जाती है। और पानी गिराया मैंने, ये बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, पर ऑयल धीरे 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 बहता है। क्यों बहता है ऑयल धीरे धीरे? क्योंकि वो विस्कस है, उसके अंदर विस्कोसिटी है, उसके अंदर वह गुण है कि जो उसके बहाव में बाधा डाल रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे बह रहा है। तो लुब्रिकेंट का एक विस्कोसिटी उसका एक बहुत ही पहली प्रॉपर्टी है। यह विस्कोसिटी तापमान के साथ कम हो जाती है, जैसे जैसे ताप बढ़ता है विस्कोसिटी कम हो जाती है, और जैसे जैसे तापमान कम होता है विस्कोसिटी बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा यह लुब्रिकेंट गाढ़ा पतला हो जाएगा, और जैसे जैसे तापमान कम होगा तो लुब्रिकेंट गाढ़ा हो जाएगा। जब गाढ़ा हो जाएगा तो वो फ्रिक्शन लॉसेस में आएगा, वो उसको फिर क्रैंकशाफ्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। कूलिंग सिस्टम में भी मैं ये बातें कई बार बोल चुका हूँ, बोला कि नहीं बोला? हर क्लास में बोलता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मेंटली